बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और अदाकार ज़हीर इकबाल ने 7 साल से ज्यादा अरसे तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी का फैसला किया था। रवां वर्ष जून में सोनाक्षी और ज़हीर ने मुंबई में घर पर मुनक्किदा तकरीब में रजिस्टर्ड मैरिज की। शादी के बाद सोनाक्षी और ज़हीर की जानिब से एक शानदार इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें सलमान खान, हिमा कुरैशी, रेखा और काजोल समेत नामवर बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की थी। इस हवाले से हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने खुलकर बात की और ज़हीर इकबाल से अपने रिश्ते को खुफिया रखने की वजह नजर को करार दिया। सोनाक्षी का कहना था, मेरा ख्याल है कि जाती चीजों को हमेशा जाती रखना ही बेहतर है। आप पहले ही लाइमलाइट में हैं, हर शख्स आपको जानता है, लिहाजा जो चीज आपको बहुत प्यारी हो उसे जाती ही रखना चाहिए। सोनाक्षी ने वाजे किया कि इनके फैसले के पीछे कोई बड़ा राज पोशीदा नहीं था। अदाकारा ने एतराफ करते हुए कहा कि हमारी मुलाकात हुई, हमें प्यार हो गया, हम बाहर मिलने लगे, मुझे बहुत जल्द एहसास हो गया था कि ये मुस्तकिल है, लेकिन ज़हीर ने फैसला करने में वक्त लगाया और फिर इस फैसले के बाद अवामी सतह पर एक दूसरे के साथ सामने आना हमारे लिए आसान हो गया। दूसरी जानिब इसी इंटरव्यू में सोनाक्षी से मोहब्बत से मुतालिक ज़हीर इकबाल का कहना था कि आगाज़ में मुझे लगा सोनाक्षी के लिए मेरे जज्बात सिर्फ दिलचस्पी की वजह से हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर गया मेरे ख्यालात और जज्बात मजीद गहरे होते गए। अगरचे मेरे पहले दिन से जानता था कि सोनाक्षी वही लड़की है, लेकिन मैंने इसे बहुत देर में कबूल किया। ख्याल रहे, सोनाक्षी सिन्हा के मुसलमान दोस्त ज़हीर इकबाल से शादी के ऐलान पर हंगामा खड़ा हो गया था और ख़ानदान में इख्तलाफात की खबरें सामने भी आई थी।